Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today we are going to have discussion on capacity to contract, and this is lecture number 5th, business law for SY BCom semester 3, and this can be also useful for the students who are preparing for NTA NET set category and all other students who are preparing for their law. सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें काफ़ी सारे वीडियोस इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे माना जाएगा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट. तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 के बारे में, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉम्पिटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 1, हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू. एंड मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो मेजॉरिटी होना चाहिए. 18 इयर्स से ऊपर रहेगा तो ही वो मेजर माना जाएगा, और ऐसा पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. हु इज ऑफ साउंड माइंड, एक साउंड माइंड का पर्सन, मतलब पागल जो है, अनसाउंड माइंड जिसे हम कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, या फिर किसी लॉ के बेसिस पे ऐसे पर्सन को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से परमिशन नहीं मिली है, उसे डिस्क्वालिफाइड किया गया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ऐसे पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट अराइज होता है कि उसका एज जो है वो मेजॉरिटी एज होना चाहिए, माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए. फिर वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन रहेगा तो वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या फिर किसी लॉ के बेसिस पे उसे डिस्क्वालिफाइड किया गया होगा तो ऐसा पर्सन किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. फिर अभी माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे. अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर माइनर ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर एज वॉइड एब इनिशियो, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. देखो यहाँ पे एक वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिस पे उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा इन फ्यूचर. इसलिए माइनर जो है कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा एक केस हुआ था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, काफ़ी बड़ा केस था, और उस केस में एक माइनर जो था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया मॉडगेज से रिलेटेड, जिसमें 20,000 का सम पेमेंट था, जिसमें से 8,000 वो मनी लेंडर को मिल गया था. तो 8,000 जो मनी लेंडर को मिल गया उसके बेसिस पे पता चला कि ये तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो वो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना गया, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको वॉइड एब इनिशियो किया गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना गया बिकॉज कि माइनर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इन्वॉल्व हो सकता. नंबर 2 इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग वॉइड इट कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, बट अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर बाय हिज गार्डियन और बाय अ मैनेजर ऑफ हिज एस्टेट. देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक माइनर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो माइनर को जो संभालने वाला पर्सन है, उसका गार्डियन, उसके पेरेंट्स या उसका कोई मैनेजर होगा, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनर के बिहाफ पे. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन एक माइनर डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. तो दैट इज नंबर 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर दैट अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर द गार्डियन जो उसको संभाल रहा है या उसका कोई स्पेसिफिक पर्सनल मैनेजर अगर होगा तो वो भी उसके बिहाफ पे किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये पॉइंट अराइज करता है. नंबर 3 पॉइंट में जाते हैं. नंबर 3 पॉइंट है हमारा रैटिफिकेशन ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो रैटिफिकेशन मीन्स कंसेंटिंग टू द पास्ट कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज एंटर इनटू ड्यूरिंग माइनॉरिटी एट अ फ्यूचर डेट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी. इसका मतलब क्या है कि रैटिफिकेशन मीन्स कंसेंटिंग टू अ पास्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखें तो एक पर्सन जो था वो कॉन्ट्रैक्ट में वो माइनर था और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेजर बन गया और मेजर बनने के बाद क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते वक्त वो माइनर था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वॉइड माना जाएगा। नंबर 4 इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय अ माइनर एंड लॉ ऑफ एस्टॉपेल। अ माइनर कैनॉट बी स्टॉप बाय अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज देयर कैन बी नो एस्टॉपेल अगेंस्ट स्टैट्यूट। इसका मतलब क्या है? माइनर हु फॉल्सली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू अ मेजर, मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो माइनर है, लेकिन वो जब कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ उसने किया तब उसने झूठ बोला कि मैं मेजर हूँ। ऐसे केस में जो अनदर पर्सन था वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया, तो ऐसे केस में माइनॉरिटी डिफेंस के बेस पे ये कंसिडर किया जाएगा कि जो पर्सन था वो माइनर था जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो उसने झूठ बोला था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। और एस्टॉपेल इज अ रूल ऑफ एविडेंस। एस्टॉपेल की अगर बात करें, व्हेन अ मैन हैज स्पोकन वर्ड्स और रिटर्न और बाय कंडक्ट इंड्यूस अनदर टू बिलीव दैट सर्टन सेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट, ही विल नॉट बी अलाउड टू डिनाई। अगर एस्टॉपेल की बात करें तो मैंने अगर आपको बोला कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो बाद में मैं आपको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, बाद में मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने कब आपको बोला था। तो दैट इज़ लॉ ऑफ एस्टॉपेल, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 इज लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन स्यूरिटी फॉर अ माइनर। एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज वॉइड, जो हमने अभी सीख लिया। लेकिन माइनर के बिहाफ पे कोई गार्डियन या उसका मैनेजर एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट in respect of the property on behalf of the minor. It is valid provided it is for minor's benefit or for legal necessity. लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई अगर गार्डियन या कोई अगर मैनेजर माइनर के बिहाफ पे करता है तो वो माइनर के हित में होना चाहिए, माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए, वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर कोई माइनर है, उसके बिहाफ पे कोई मैनेजर या उसके बिहाफ पे कोई गार्डियन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो अगर माइनर के बेनिफिट में नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उसको फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो सेक्शन 11 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 11 में क्या पढ़ा हमने? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा कोई पर्सन है जो पागल है, तो पागल किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। तो सेक्शन 12 जो है ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। It states that person is said to be sound mind for the purpose of making a contract. देखो यहाँ पे है सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि जब कोई भी पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन रहा तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहाँ पे दिया है इट स्टेट्स दैट अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment and to its effect upon his interest. मतलब जब कोई भी पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर वो साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, पागल है, तो उस टाइम पे अगर उसने जो भी डिसीजन लिया होगा तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब पर्सन किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कभी वो इंसान पागल होता है, कभी वो इंसान नॉर्मल होता है। तो जब वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी अगर उसको दौरा पड़ा है तो उस केस में उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 12, जो आपको ध्यान रखना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानिशीन वुमेन। तो पर्दानिशीन वुमेन से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में काफ़ी सारे क्लॉजेस है। अ पर्दानिशीन लेडी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी ड्यू टू कस्टम और यूसेज ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो बेसिकली ये पॉइंट अराइज होते हैं वाइल एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानिशीन वुमेन, तो पर्दानिशीन लेडी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे उस लेडी को पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए या डीड के बारे में उसको सब कुछ बताना चाहिए, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके सारे रूल्स सारे रेगुलेशंस पर्दानिशीन लेडी के साथ हम डिस्कस करने चाहिए। तो अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किए गए हैं और वो पर्दानिशीन लेडी जो है उन्होंने एग्री किया है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कॉर्पोरेशंस। तो कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आप सभी जानते हैं कंपनी को हम क्या कंसिडर करते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी आप सभी जानते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो इट इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट देर आर टू लिमिटेशंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉर्पोरेशंस। तो कॉर्पोरेशंस में दो लिमिटेशंस है, अगर हम बात करें तो दो लिमिटेशंस कौन से हैं, एक है हमारा नेचुरल लिमिटेशन और दूसरा है हमारा लीगल लिमिटेशन। नेचुरल कैसा है, नेचर के रिलेटेड, इट इज़ ड्यू टू इट्स नेचर। कॉर्पोरेशन बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन ओनली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इट्स एजेंट। कॉर्पोरेशन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर कॉर्पोरेशन को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो एजेंट को, एजेंट की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। और एजेंट कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स कॉर्पोरेशंस या कंपनी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, मतलब थर्ड पर्सन का हेल्प लेना हमें पड़ेगा, बिकॉज कंपनी तो एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इसलिए डायरेक्टर्स जो रहेंगे वो एज एन एजेंट काम करेंगे और वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे और नाम रहेगा कंपनी का या कॉर्पोरेशंस का। इसी को हम कहते हैं नेचुरल लिमिटेशन। और दूसरा जो है दैट इज लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन का मतलब क्या है, कॉर्पोरेशन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ, आप दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हो, एक है M&A दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स जो भी पावर्स होंगे उसके बाहर तो कॉर्पोरेशन या कंपनीज अपने बेसिस पे एक्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे लिमिटेशंस बन जाएंगे। ये लीगल लिमिटेशंस की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो टाइप के लिमिटेशंस है, नंबर वन इज नेचुरल एंड नंबर सेकंड इज लीगल लिमिटेशंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय इंसॉल्वेंट्स। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जिसका दिवाला निकला है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, जिसके पास पैसे नहीं है। तो एन इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट पर्सन इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग हिज इंसॉल्वेंसी। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है, कोई बैंकक्रप्ट हो चुका है, जिसपे बहुत कर्जा था लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है वो कर्जा पेमेंट करने के लिए या डेट पेमेंट करने के लिए, तो ऐसा पर्सन अगर किसी के साथ इंसॉल्वेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि लिए वो इंसॉल्वेंट है। इसीलिए लॉ कहता है कि जो भी इंसॉल्वेंट है तो उसके इंसॉल्वेंसी के टाइम पे अगर कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसने किया होगा तो उसको वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। All his assets vest in the hands of the official assignee or receiver appointed by the court who enters into contract on his behalf. तो कोर्ट ने अगर किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया होगा तो वो उसके बिहाफ पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट पर्सन डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दैट्स इट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने दो चीज़ें इसमें डिस्कस की है, नंबर वन इज सेक्शन 11 दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया सेक्शन 12 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अगले लेक्चर में हम सेक्शन 13 सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 को जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले कंसिडरेशन पढ़ेंगे फिर कंसिडरेशन के आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन। और इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।